कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2021 कसरत राय से कौमी असेंबली मंजूर। अपोजिशन अरकान की शदीद मुखालफत और नारेबाजी। नफीसा शाह ने कहा हुकूमत ने अपने लोगों को NRO दे दिया। नवीद कमर ने सवाल उठाया क्या सिर्फ एक ही चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल पसंद है। पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर इकट्ठा। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज का फैसला। पार्लियामेंट में मिलकर टफ टाइम दिया जाएगा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। हुकूमती पॉलिसीज और वजीर आजम पर तनकीद। नालायक और नाअहल हुकूमत को मिलकर भगाने का अज़्म। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी। मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली तैयार कर ली। लाहौर में मार्च की जिम्मेदारी हमजा शहबाज को दे दी जबकि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मुल्की सतह पर हुकूमत के खिलाफ जारहाना रोल अदा करेंगे। 10 का जिम्न इंतखाब शफाफ नहीं था। इंतजामिया धांधली कराने में पूरी तरह मुलवस रही। प्रिजाइडिंग अफसर पुलिस ने लापता किए। खातून अफसर को हिरासा भी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। कोताही के मुर्तकिब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को OST बना दिया गया। बिलावल भुट्टो कलदम। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुआहदे पर नाराज। रद्द अमल देते हुए कहा किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। किसी को कोई हक नहीं कि वो पार्लियामान के इत्तेफाक राय के बगैर तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुजाकरात करे। सदर और वजीर आजम कौन होते हैं कि मुजाकरात की भीख मांगे। चीनी बहरान रोकने के लिए इकदाम। वजीर आजम ने शौकत तरीन को शुगर मिल्स मालिकान से बातचीत करने का टास्क दे दिया। वो वक्त से पहले क्रशिंग सीजन शुरू करने पर आमादा करेंगे। जनूबी पंजाब की शुगर मिलें 15 नवंबर तक न चलाने पर सील की तजवीज़। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन शुरू करने का प्लान दे दिया। T20 वर्ल्ड कप का मार्का। ग्रुप 2 के आखिरी मैच में भारत ने नमीबिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने 133 रन का हदफ 16वें ओवर में ही एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 37 गेंदों पर 56 रन बनाकर नुमाया रहे। राहुल 54 और सूर्या कुमार यादव ने 25 रन बनाए। वाहिद विकेट ट्रायलिंक ने हासिल की। और मुफक्कर पाकिस्तान शार मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश। अल्लामा इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया और अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।